आपके ग्राफिक का क्योस वेंटेज एनिमेशन, मैं क्योस वेंटेज एनिमेशन अभी तक ट्राई नहीं किया हूँ फिलहाल, उससे रेंडरिंग टाइम बता सकता हूँ। रेंडरिंग टाइम एक बार किया था मैंने, फुल एचडी पे करते हैं, अभी हो रहा है। अभी क्या मेरा रेंडरिंग वेंडरिंग चल रहा था, वो सब रिकॉर्डिंग चल रहा था, रिकॉर्डिंग तो अभी क्लोज हो गया, तो क्लोज कर दिया मैंने, अब चल रहा है सही। कुछ मेरे ख्याल से कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर निकल जाएगा आराम से ये रेंडर फुल एचडी का। हाँ 1 मिनट के अंदर अंदर आ गया। 0.26 सेकेंड्स, 0.26 सेकेंड में एक रेंडर निकल के आ गया। वो रेंडर आया किधर? आया तो आया, वो तो ठीक है, आया किधर? यहाँ पर ये रहा, ये रहा उसका आउटपुट, ये है फुल एचडी में, यानी कि फुल एचडी आउटपुट 2K का रेंडर है। अगर इसको हाई में करते हैं हम लोग, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 4K चाहिए, 4K भी चलो ओके ओके है। इसमें टाइम जाएगा, देखिए 4K में थोड़ा टाइम जाएगा, 4K में शायद 2 मिनट के आसपास लग सकते हैं, 2 या 3 मिनट। इधर पे अगर मैं अपने जीपीयू को देखूं, मेरा जीपीयू का जो स्टेट्स है ऐसा क्या हो रहा है, तो क्योंकि जगह जीपीयू पे लोड बढ़ रहा है, यहाँ पर उसके स्टेट्स देखेंगे, देख सकते हो। ओ भाई अंदर आ जा, ये मेरा सीपीयू और ये रहा नीचे जीपीयू। 100% जीपीयू यूज़ हो रहा है, वी रैम यूज़ हो रही है कुछ 88%, ठीक है, पूरा 100% पूरा जीपीयू 100% ले रहा है, पूरा पूरा फुल परफॉर्मेंस में रेंडर कर रहा हूँ। इसका आरपीएम फैन वगैरह भी पूरा फुल पे जा रहा है, उसका जो टेम्परेचर है जीपीयू का कुछ 64 पे जा रहा है। लास्ट 68 तक गया था थोड़ा टाइम पहले, मैक्सिमम 64-68 तक गया था जीपीयू का टेम्परेचर। दो मिनट 25 सेकेंड, 26 सेकेंड, 27, 28, 29, 30 और ये फिनिश। ये फिनिश करने के बाद फिर हमारे पास रेंडर आउटपुट आया कुछ, यहाँ पे ये रहा, हाँ ये रहा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ कुछ इसका, देख सकते हो आउटपुट काफ़ी हद तक क्लीन है पुराने वाले से। अभी ये क्लीन नहीं था पुराने वो 2K वाले में, अब ये देखो थोड़ा जूम करने काफ़ी ब्लर दिख रहा था अभी, अभी ये ब्लर नहीं है, काफ़ी हद तक क्लीन है। 8K में करने जाते, 8K में मेरे में शायद से वेंटेज में नहीं होगा, और आप लूमेन में करने जाएंगे 8K रेंडर तो वहाँ पर हो जाएगा। वेंटेज में प्रॉब्लम यह है कि इसमें 8K करने जाओ तो मेरा जो वी रैम है बहुत कम है इसमें, उसके हिसाब से इधर पे क्या कि येल्लो हो जाता है जी, उसकी मेमोरी इनफ नहीं है 8K के लिए। रेंडर करने जाओ तो ये बोलेगा इनफ मेमोरी इज नॉट इनफ, इसलिए वी रैम ज़्यादा होना चाहिए। वी रैम अगर अगर 12 हुआ 16 हुआ तो आप 8K रेजोल्यूशन का तक का भी रेंडर निकाल सकते हो, नहीं तो वी रैम कम निकलेगा तो फिर आप 8K रेजोल्यूशन निकालने जाओ तो एरर आ जाएगा, रेंडर होगा ही नहीं, दिक्कत आ जाएगी उधर, देखो इस तरह से प्रॉब्लम कर रहेगा, ठीक है। इसलिए वी रैम भी ज़्यादा होना चाहिए, कम वी रैम में अगर 8K तक का भी आप सोच रहे हो रेंडर करना चाहते हो, आपको वी रैम ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम के लिए वेंटेज पे अगर आपका छोटा 4K तक का रेंडर निकाल सकते हो, 4K आप थोड़ा सेटिंग करके 5 तक लेके जा सकते हो, 8K तक जाने जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो 6K तक हो जाएगा, 6K तक या 5K तक आप ट्राई कर सकते हो वी रैम के लोडिंग के लिए। वी रैम ज़्यादा रहे तो फिर आप बड़ा से बड़ा रेंडर भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।